जैविंदर भाई और हरिकिशन भाई, आप लोगों से ये हम ये गुजारिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अभी तक अनुभव में इस जगह जो हम इस समय हैं केवलादेव नेशनल पार्क में, आप लोगों का बहुत अनुभव है। हाँ सर, तो आप बताइए कुछ ऐसी घटना या घटनाएं जो मतलब इतिहास बन गई यहाँ के लिए। हाँ, ऐसा कुछ बताइए जो भी आपको पता हो। 2011 में एक टाइगर आ गया था यहाँ पे, तो वो इतने शर्मीले स्वभाव का था, काफी गेस्ट आते थे तो ऐसे झाड़ी के किनारे से निकल जाता। मतलब इसके ये वेटलैंड यहाँ पे अंदर? हाँ, अंदर पार्क टाइगर। हाँ जी, यहाँ भी किल किया है, पानी पीने के लिए आता था उसके। काफी गेस्टों ने ऐसे देखा है बिल्कुल, और डिपार्टमेंट ने फुटप्रिंट भी लिए। अच्छा, तो 22 फरवरी 2012 को यहाँ से ट्रंक लाइट करके पकड़ के और सर इसका अभ्यारम में छोड़ा। काफी हमने जैसे पाइथन है वो जैकॉल को पकड़ते हुए देखा, जैकॉल लपेट लिया। अच्छा, जैकॉल को सोले करते हुए ये सब देखा आप लोगों ने? हाँ जी, एक मंकी पकड़ लिया था। अच्छा, तो मंकी ऐसे लपेट के ऐसे लंबा खींचा पाइथन ने और उसको सोलो किया फेस की तरफ से धीरे धीरे करते हुए देखा। टाइगर को भी इस तरीका से टैंकलाइज किया, कहीं कभी किया नहीं। ये 4-5 टीमें आई थी, किसी काबू में नहीं आया। फिर काफी सारे जो टैंकलाइजर स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने एक दिमाग लगाया, शॉट किया, शॉट मारा। फिर नहीं, उन्होंने एक दिमाग लगाया कि इसके लिए फीमेल का कॉल रिकॉर्ड करके लाएं और बुशेज के अंदर उसको टेप रिकॉर्डर के थ्रू उसको निकालें। अच्छा, तो एक झाड़ के अंदर उसको टेप रिकॉर्डर को लगा दिया और वो फिर रिमोट से उसको प्ले किया। जैसे उसने सोचा कि ये फीमेल का आवाज है, मेल धड़ाक से बाहर बुशेज के बाहर निकल के आया और उसको टैंकलाइजर किया। काफी सारी ऐसी ये मतलब टाइगर वाली घटना अभी तक एक ही बार हुई है। हाँ, 2011 जैसे बताया आप लोगों ने, 2005 में भी टाइगर्स आई थी। अच्छा, ये कहाँ से किधर से आते होंगे? इस पार्क का जो कॉरिडोर है ना सर, वो रणथंभौर है। रणथंभौर में जब भी कृषि प्रेडेटर की पॉपुलेशन बढ़ती है ना, तो टेरिटरी को लेकर फाइट होता है। हाँ, और जब फाइट होता है तो जो कमजोर जो टाइगर है वो अपनी नई टेरिटरी के लिए निकल पड़ता है। और फिर ये क्या है कि जो अपना जंगल है केवलादेव नेशनल पार्क है, ये कुछ पहाड़ी एरियाओं से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ से बंद बाराठा है, बंद बाराठा बयाना से कनेक्टेड है, बयाना हिंडोन से कनेक्टेड है। अच्छा, हिंडोन करौली से कनेक्टेड है, तो उनके थ्रू यहाँ, और करौली रणथंभौर की एक जोन है, तो उनके थ्रू यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ जो पानी ये जो हम लोग वेटलैंड में देखते हैं, ये पानी कैनल से भी छोड़ा जाता है कहीं, माने और नदियों से छोड़ा जाता है ऐसा कुछ है बांध बना के, या सिर्फ नेचुरल वाटर है, मतलब खाली बरसात का पानी है कि पानी और आता है यहाँ पे? नहीं सर, पानी तो यहाँ जो करौली डिस्ट्रिक्ट में है पांसरा डैम, उससे लेते थे गंभीर नदी के द्वारा। अच्छा, बाणगंगा रिवर का भी पानी लेते हैं। पांसरा और साइड में डैम है अजान डैम, अजान डैम में कलेक्ट करके कैनाल के द्वारा पानी लेते हैं। अच्छा सर, ये अब तो गोवर्धन डैम से भी पानी ले रहे हैं, पानी की अच्छी सुविधा हो गई है पार्क में। और बढ़िया पार्क में इस साल पानी लिया है कम गंभीर नदी के द्वारा।
बहुत ही अच्छा लग रहा है।